मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा, मोमिन अंसार समाज सहित सभी पसमांदा दबे कुचले समाज के लिए हम रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे आपके लगातार किए जा रहे संघर्षों को अब दिशा मिलने वाली है। मोमिन अंसार सभा के 13वें राष्ट्रीय पसमांदा भागीदारी सम्मेलन की अध्यक्षता मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने की। सम्मेलन में देश के 15 प्रदेशों से आए प्रदेश अध्यक्षों ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा कि हम वर्षों से मोमिन अंसार समाज सहित सभी पसमांदा दबे कुचले समाज के लिए रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे आपके लगातार किए जा रहे संघर्षों से अंसारी समाज के साथ पूरा पसमांदा समाज आज चर्चा का विषय बन चुका है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, किसी भी मुस्लिम और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कैडर नहीं है। हम देखते आ रहे हैं कि जो है बहुजन समाज का कैडर हुआ करता था, बाम सेफ हुआ करता था। आज ये कह सकते हैं हम कि मोमिन अंसार सभा का एक कैडर ऐसा है जो गांव गांव कस्बे कस्बे तक के संगठन है। आज आप सिर्फ प्रतिनिधि देख रहे हैं यहाँ पे, जिनके पीछे हजारों और लाखों लाखों लोग अपने अपने क्षेत्रों के लोग हैं। तो इस बिना पर हम लोग जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, पसमानदा गाँव में 85% मुसलमानों की है, अगर ये एकजुटता होगी और इनका मिशन दूसरा है, ये किसी से इख्तलाफ नहीं करती हैं। मोमिन अंसार सभा का एक एक पदाधिकारी कहता है कि और इंसानियत के मददगार बने, हम एकजुट होंगे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे और अपनी कौम की रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा पीछे है, राजनीति में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमने देखा इतने वर्षों में, अपने पुरखों को, अपने बाबाजाद को देखा है कि जब वो वहाँ वो थे, आज तक के हम लोग मांगने वाले बने रहे, लेकिन अब ये तय किया गया हम लोग मांगने वाले नहीं, जहाँ मिया दिया जाता है हम उस जगह पहुँचेंगे और अपने साथ पूरे भारत की सेवा करेंगे, पूरे मुल्क की सेवा करेंगे, सारे समाज की सेवा करते करते पसमांदा समाज को आगे बढ़ाने का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।